हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज ड्यू टू एक्सियल फोर्स, यानी कि बॉडी का डिफॉर्मेशन क्या होता है जब उसके ऊपर कोई एक्सियल फोर्स एक्ट करता है। उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम देखेंगे कि जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सियल फोर्स आता है तो किस तरह से डिफॉर्म होती है और उसका एलॉन्गेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा कोर्स आउटकम वही है कि एनालाइज स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स अंडर वेरियस लोडिंग कंडीशंस। हम स्ट्रक्चरल बिहेवियर देखना चाहते हैं मटेरियल्स का जब उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की लोडिंग हो रही हो, कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल। इसका हमारा जो एलोज है लाइनिंग आउटकम, वो ये कहता है कि कैलकुलेट सिंपल स्ट्रेस ऑन एक्सियली लोडेड मेंबर्स एंड आर्टिकुलेट सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एलॉन्गेशन देखा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने अल्टीमेट स्ट्रेस देखा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने सारी चीजें देखी, उनका किस तरह का प्रभाव पड़ता है जब वो एक्सियल लोडिंग आती है और उसमें हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। फिगर शोज द बार ए बी, ये बार ए बी ए से लेके बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एक्टेड अपॉन By several forces, find the deformation of the bar, assuming E is equals to 2 into 10 to the power of 5 Newton per mm square. Actually, 10 to the power of 5 है, it's a printing mistake. So, ये इस बार को देखिए आप, A, B, C, D. तो ये A, B, C, D बार में A, B एक अलग हम मेंबर लेंगे, B, C अलग लेंगे और C, D अलग लेंगे, है ना? इसके लिए हम बनाएंगे free body diagram, FBD. ये आप इस फिगर को बहुत गौर से देखिए, इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। इसमें दिख रहे हैं चार फोर्सेस, 10 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या है, 50 mm डायमीटर, इसकी लेंथ है 600 mm, BC पोर्शन की लेंथ है 900 mm और CD पोर्शन की लेंथ है 500 mm। तो हमारी L1 की वैल्यू होगी 600 mm, L2 की वैल्यू होगी 900 mm, L3 की वैल्यू होगी 500 mm। अब ये देखें क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। आप जानते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इक्विलिब्रियम हमारा ये देखिए 10 किलो न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 5 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, सो 10 प्लस 5 टोटल लोड 15, 12 इधर लग रहा है, 3 इधर लग रहा है, 12 प्लस 3 15, दैट मींस ये है बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हमको इसको तीन फोर्सेस में डिवाइड करना होगा तभी जाके हम इसकी फ्री बॉडी बनाकर फोर्सेस रिजॉल्व कर पाएंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 mm डाया है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 50 का स्क्वायर करेंगे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। अब L1 L2 L3 आ गई, हमको चाहिए P1 P2 और P3 जो कि हमारे फोर्सेज हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि PL अपॉन AE यही है हमारा एलॉन्गेशन का फार्मूला। तो क्या P1 होगा, क्या L होगा, क्या A है, क्या E है? E की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, E की वैल्यू हमको दे रखी है 2 into 10 to the power of 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। चलिए यहाँ समझिए किस तरह से, इसके दो तरीके, मैं दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ये बात समझ में आएगी। हम केवल फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं AB का, तो हमने AB का फ्री बॉडी डायग्राम लिया, ओके। A वाली साइड पर देखिए कितने का लोड लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके, टूवर्ड्स लेफ्ट 10 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। अब B पर देखें हम, और तो इस तरफ कोई लोडिंग है नहीं है, तो 10 किलो न्यूटन लगा दिया। अब यहाँ पर B पर हमको देखिए कितने की लोड चाहिए, हाँ इसको इक्विलिब्रियम में लाना है AB को, यानी इस तरफ भी 10 होना चाहिए। तो 10 कैसे होगा, देखिए 3 इस तरफ जा रहा है, इसका इफेक्ट 5 का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस 3 की डायरेक्शन में 12 है, तो 3 और 12 का हमने एक सा साइन लिया और उसके अपोजिट लगने वाले का हमने अपोजिट साइन लिया। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ओके। कैसे, 12 प्लस 3 15 माइनस 5 सो 10, सो 10 आ रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम में आ गया, ओके। ये ए बी आपकी इक्विलिब्रियम में आ गई। दूसरा तरीका देखिए, 10 का यहाँ लग रहा है, आंख बंद करके हमको इक्विलिब्रियम में B पर 10 का लगा देना है, ओके, 10 का आप लगा देंगे। अब जब आप नीचे आके BC का बनाएंगे तो आप इस वॉल को फिर देखेंगे, B वाली, आपने 3 का ऑलरेडी लग रहा था, 3 को 10 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ी आपको, 3 को 10 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 7 की, तो आपने 7 का एड किया, ओके।
तब वो 10 बना, अब वो 7 आपको वापस करना पड़ेगा, तभी तो जाके इक्विलिब्रियम होगा। सो आपने ये वाला 7 यहाँ लौटा दिया, 7 यहाँ लौटाया, एक तरीका, ये आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया कि 7 हमने यहाँ पर लौटा दिया। लेकिन हम बी को और गौर से देखते हैं, बी को हमने गौर से देखा तो हमने देखा कि 3 का इस डायरेक्शन में लग रहा है और 10 का इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वाली बॉडी जब हम कंसीडर कर रहे हैं 3 टूवर्ड्स राइट है और 10 टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो यदि टूवर्ड्स राइट अपन ने माइनस में लिया सो 10 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 7। यहाँ पर भी आप यहाँ कर देखिए, जब 7 इधर है तो 7 ही इधर होना चाहिए, पर होगा कैसे, ये देखिए 12 का इधर जा रहा है और 5 का इधर जा रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ सारे कुछ भूल जाइए आप, इस वाली जगह पर केवल सी के इस तरफ देखिए कितने फोर्सेस हैं, 5 अपोजिट और 12 इस तरफ, सो माइनस 5 प्लस 12 इज 7। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, P1 की वैल्यू हो गई 10, P2 की हो गई 7, L1 600, L2 900। तीसरा, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जो पहला होगा जैसे यहाँ 10 लग रहा है ना तो यहाँ पे भी 10 लगेगा, ये 12 लग रहा है ना तो यहाँ पर भी 12 आएगा, लेकिन कैसे ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो हम याद कर सकते हैं कि जो पहले में है और जो आखिरी में लोड लगे हैं वही होंगे इक्विलिब्रियम में, बीच वाला बस फाइंड आउट करना है, तो हमने 7 फाइंड आउट कर लिया। इट इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट फॉर द कॉन्सेप्ट यू शुड नो हाउ इट कम्स। तो कैसे आया कि ये वाली वैल्यूज जो फोर्सेस जा रहे हैं, आप लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। चलिए सी पर आते हैं, सी पर देखा आपने, आप पुराना वाला कॉन्सेप्ट, आपने यहाँ 7 दिया, ओके ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी कितने का 5 लग रहा था, आप जब लौटाएंगे तो 5 तो यहाँ ऑलरेडी लग ही रहा है और आपने 7 और वापस किया, तो 5 और 7 12, ये 12 हो जाएगा। दूसरा तरीका, इस जगह पर देखें 5 इस तरफ जा रहा है, 10 इस तरफ जा रहा है, तो 5 प्लस 10, तो 5 प्लस में है, 10 प्लस में है, 3 अपोजिट जा रहा है, सो माइनस 3, सो ये आ गया 12, यहाँ 12 लगी। इस तरह से हम इसको रिजॉल्व करते हैं और अपनी L1, L2, L3 और P1, P2, P3 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है डेल L बराबर P डेल L1, डेल L2, डेल L3, और डेल L को और हम एलोबरेट करेंगे तो P1 L1 अपॉन A1 E1, A कॉमन है, E कॉमन है, इसीलिए P1 L1 अपॉन AE प्लस P2 L2 अपॉन AE प्लस P3 L3 अपॉन AE बिकॉज क्रॉस सेक्शन इज सेम। यदि क्रॉस सेक्शन अलग होता तो A1 A2 A3 होता, मटेरियल अलग अलग होता तो E1 E2 E3 होता। खैर यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमारा A कॉमन आ गया, A कैसे आएगा, पाई बाई 4, डायमीटर कितना है हमारा 50 का, ये डायमीटर है 50 का स्क्वायर, उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 1963.5। ये हमारी 2×10⁵ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कैपिटल ई की वैल्यू। अब P1 कितना है 10 किलो न्यूटन यानी कि 10,000 न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनटू 600। P2 कितना है 7 किलो न्यूटन यानी कि 7,000 न्यूटन इनटू 900 mm है तो उसको हमने mm में लिख रखा है, प्लस 12 किलो न्यूटन यानी कि 12,000 न्यूटन इंटू 500 इंटू 500, ओके। तो इस तरह से वैल्यूज हमने पुट की और इसको सॉल्व किया तो हमारा एलोंगेशन आया 0.047। ये हमारा एलोंगेशन होगा यानी कि इस फोर्स सिस्टम पर ये जो बार है ये 0.047 mm का जो है वो एलोंगेट होगा। ये जो है ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी आपने देखा कि सारे फोर्सेस के जो डायरेक्शंस हैं वो एक ही डायरेक्शन है, सारे बाहर की तरफ लग रहे हैं। मान लीजिए ये सारे टेंसाइल नेचर के, मान लीजिए इनमें से कोई किसी का नेचर, किसी फोर्स का नेचर अपोजिट होता यानी कॉम्प्रेसिव नेचर का होता तो क्या चेंजेस हो जाता, जहां पर अगर हम टेंसाइल को पॉजिटिव लेके चले हैं तो कॉम्प्रेसिव को हम नेगेटिव ले लेंगे। आइए हम उसी को देखते हैं अगला प्रॉब्लम में, तो आई होप ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, अगला प्रॉब्लम में आप देखिए कि यहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शंस अलग अलग है, इसका 400 mm स्क्वायर है, इसका 800 mm स्क्वायर है, इसका 600 mm स्क्वायर है, लेंथ अलग अलग है, L1 1000 mm है, L2 1500 mm है और L3 800 mm है, एरिया अलग है। प्रॉब्लम क्या कहता है, स्टील बार ABCD
a varying cross section, iske varying cross section is subjected to the axial force as shown in figure. Find the value of P, यहाँ एक P दे रखा है, for equilibrium. हमें इस P की value पता करना है equilibrium के लिए. If the modulus of elasticity is 2.1 into 10 to the power of 5 Newton per mm square, and determine the elongation of the bar. Problem क्या कह रहा है? एक ABCD bar है, जो कि different varying cross section का है, हमको दिखाई दे रहा है. A1 400 mm square है, A2 800 mm square है, A3 600 mm square है, okay? यहाँ एक force P लग रहा है, इसकी हमको equilibrium से value निकालना होगी P. जैसा कि अभी हमने पुराने problem में देखा कि इस P की value क्या होना चाहिए जो इसके equilibrium को maintain करे. तो इस direction में कितने force जा रहे हैं? 5000 और 10000. तो 10 और 5, 15000 इधर हो गया है और 8000 इधर लग रहा है. तो कितना मैनेज करना पड़ेगा? यहाँ 7000 का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगी. ठीक है, चलिए कैसे आगे देखते हैं. फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन सिग्मा एक्स एफ एक्स एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस जीरो करने हैं. तो यहाँ देखिए, यदि हम इस डायरेक्शन को टूवर्ड्स राइट को पॉजिटिव लें, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 8000 और पी. So, हमने 8000 और P को पॉजिटिव ले लिया. टूवर्ड्स लेफ्ट कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? 5000 और 10000. तो हमने इसको माइनस में ले लिया, 5000 और 10000. इसको सॉल्व किया तो हमारी P की वैल्यू कितनी आ गई? 7000. अब यहाँ देखिए, अगर हम 7000 यहाँ P बराबर रख दें तो क्या होगा? 7000 इधर और 8000 इधर, 15000, 10000 और 5000. सो 15000 यानी इक्विलिब्रियम में है. P की वैल्यू क्या हो गई? 7000 न्यूटन. यानी हमारी P जो हमको फाइंड आउट करना था वो हमने कर लिया. इक्विलिब्रियम अगर इस वेरिंग क्रॉस सेक्शन बार का अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7000 न्यूटन होनी चाहिए. अब हमको इसका एलोंगेशन निकालना है अगर, तो हमको इसकी फ्री बॉडी की स्टडी करना पड़ेगी. तो ये डायग्राम हमने यहाँ पर बना लिया. फिर से आप यहाँ देखते हैं, 5000 इधर, तो ये 5000 इधर लगाना पड़ेगा. कैसे आएगा 5000 इधर? P की वैल्यू 7000 है, माइनस 10000 अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस 8000 इस डायरेक्शन में, तो 5000 किया जाएगी. ठीक है ना? और हमारा जो पुराना तरीका है कि अगर 5000 इधर लग रहा है तो 5000 भी इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, AB पोर्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए. आपको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं. अब इंपॉर्टेंट है यहां पर BC पोर्शन, ये फाइंड आउट करना है. इसके साथ साथ ये देखिए कि इसमें डायरेक्शन कहां लग रहा है फोर्स का. अब यहां पर आपने 7000 था, ओके, तो आपका 7000 आपने में से केवल कितना यूज किया? 5000. अब बचा कितना है यहां पर? ओनली 2000. ये देखिए 2000 इधर पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 2000. तो इसको मैनेज करने के लिए 2000 ऐसा करना पड़ेगा. लेकिन हम अपने तरीके से देखें, अगर हम इधर देखें सी वाले पोर्शन को, 10000 इधर जा रहा है, 8000 इधर जा रहा है, कितना बचेगा? 2000. किस क्या डायरेक्शन होगी? जो बड़े फोर्स की डायरेक्शन है. बड़े फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ. इस तरफ कितना लगेगा? 2000. तो इसके अपोजिट में भी 2000 है. इधर देखें, 7000 इधर जा रहा है, 5000 इधर जा रहा था, लेकिन हमको लौटना कितना था? बचेगा कितना? 5000 हमको वापस करना था, ये वाला, ये 5000. 7000 माइनस 5000 कितना बचा? 2000. किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? तो ये देखिए आप, बीसी पोर्शन किस में आ गया? आपका कंपैरिजन में आ गया. या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. वापस पे आते हैं, सीडी. यहाँ पर आपने लौटाया 10000, वापस कर दिया 8000, ये 8000. जैसा मैंने पहले बताया था कि पहला और आखिरी वाला जो रहता है वो सेम रहते हैं, पर कैसे होते हैं सेम, ये आपको समझ में आना चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला और आखिरी तो सही रहेगा जो दिया हुआ है. हमको बीच वाला निकालना था. बीच वाला हमारा क्या आया? 2000. पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अब आप यहाँ देख लीजिए, P1 क्या है? टेंसाइल नेचर का है. P2 कॉम्प्रेसिव नेचर का है. P3 फिर टेंसाइल नेचर का है. तो टेंसाइल को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो कॉम्प्रेसिव को हम माइनस में लेंगे. कैसे? हमारा डेल एल बराबर वही फार्मूला है, डेल एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री. P1 L1 upon A1 E1 plus, तो E common है, चूंकि throughout the same है, तो 1 upon E common आ गया. So P1 L1 upon A1, चूंकि cross-sectional area अलग-अलग है, cross-sectional area अलग-अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है.
सो पी वन एल वन अपॉन ए वन प्लस पी टू एल टू अपॉन ए टू प्लस पी थ्री एल थ्री अपॉन ए थ्री। इस तरह से इनके एरियाज जो है वो अलग अलग है। अब इनकी वैल्यूज हम पुट अप कर देते हैं। पी वन 5000, एल वन 1000, 5000, एल वन 1000, पी टू माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, सो यहाँ माइनस में आ गया। 2000 इंटू 1500 अपॉन 800 प्लस 8000 इंटू 800 अपॉन 600। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 0.092 हमारा एलोंगेशन आ जाएगा। यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये माइनस में रखा गया। ये देखिए यहाँ प्लस फाइनल फार्मूले पे जरूर लिखा गया है, पर पी टू की वैल्यू जो होगी चूंकि वो कॉम्प्रेसिव नेचर की है इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम है, इसी के मिलते जुलते प्रॉब्लम आप और सॉल्व कीजिएगा। ये थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिससे हम डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी या एलोंगेशन ऑफ बॉडी फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। इससे मिलते जुलते प्रॉब्लम और सॉल्व कीजिएगा, और जो भी आपको डाउट हो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।